हेलो क्लास 12, आई एम विनोद मित्रा। आई विड यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछले एपिसोड में प्रोज सेक्शन के पहले पार्ट अ गर्ल विद अ बास्केट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर डब्ल्यू सी डगलस अपने भारत भ्रमण के दौरान एक स्टेशन पर उन शरणार्थी बच्चों से मिले जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे और जीविका कमाने के लिए रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और भीड़ भरे इलाकों में छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर हाथ की बुनी टोकरियां और पंखे बेचकर अपनी जीविका कमाने लगे। अब आगे, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, यानी टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के, रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, तो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स मीन्स छोटी छोटी अस्थाई दुकानियां या खोमचे लगाकर। स्टॉल्स मीन्स अस्थाई छोटी दुकान। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी चीज़ों का निर्माण करके, यानी साधारण सी वस्तुएं बनाकर। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग मीन्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, लिविंग मीन्स जीविका, जीवन यापन। सो ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स अर्थात उन बाजारों में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, मतलब पहले से ही भीड़ भरा था, अर्थात जिसमें पहले से ही जरूरत से अधिक प्रतियोगिता थी। तो फिर से देखें, दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी मोटी दुकानें लगाकर और साधारण सी वस्तुएं बनाकर। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, अर्थात उस बाजार में जीविका कमाने की कोशिश करते हुए जो पहले से ही जरूरत से अधिक भीड़ भरा था। मतलब ये कि वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार अस्थाई छोटी मोटी दुकानें लगाकर और साधारण सी वस्तुएं बनाकर पहले से ही जरूरत से अधिक भीड़ वाले बाजार में जीविकोपार्जन करते हुए शहरों में एकत्रित हो गए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस सेट्स दैट लाइंड इन द स्ट्रीट्स। वे कपड़े और घास की छपरियों में रहते थे जो गली में पंक्तिबद्ध थी। द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स यानी किसान। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ। इन शरणार्थियों में किसान अपने सारे जीवन में थोड़े के आदि थे, अर्थात वे थोड़े में ही गुजारा कर लेते थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। क्योंकि एक कृषि परिवार की वार्षिक आमदनी प्रतिवर्ष $100 से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। एक औसत अकुशल मजदूर, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, तो एक औसत अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है और लेस देन $2 अ वीक अथवा $2 प्रति सप्ताह से कुछ कम। देर इज वन मील अ डे, मील मीन्स खुराक। देर इज वन मील अ डे, दिन में एक ही खुराक होती है, अर्थात वे दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। भोजन क्या है? एन ओनियन, एक प्याज
अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ फल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहेस अ बिट ऑफ गोट चीज और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का बना पनीर। तो बच्चों, ये गरीब किसान एक ही बार भोजन करते थे। इनके भोजन में एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरा दाल दूध के साथ और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर होता था। नो टी मतलब कोई चाय नहीं, नो काफ़ी कोई काफ़ी नहीं, नो फैट कोई वसा नहीं यानी घी मक्खन या चिकनाई ये कुछ भी नहीं, नो स्वीट्स कोई मिठाई नहीं, नो मीट कोई मांस भी नहीं। $100 a year is not $2 a week, अर्थात वर्ष में $100 हफ्ते में $2 भी नहीं होते। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, अर्थात फिर भी ये छोटी सी भी धनराशि टोकरियाँ बेचकर कमाना उन लोगों के लिए कठिन है जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकते। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति आकर्षित हो गए। लोकस्ट मीन्स टिड्डियाँ, डिसेंडेड मीन्स आकर्षित हुए। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह उनके द्वारा देखा हुआ सर्वाधिक संभावनाओं से भरा हुआ बाजार था। अर्थात लेखक को देखकर बच्चों को सर्वाधिक उम्मीद जगी कि वो उनकी वस्तुएं खरीद लेगा। सो ओके, नाउ लेट्स सी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, अब अंग्रेजी व्याख्या देखें। द राइटर मिस्टर विलियम कैंपबेल डगलस सेज दैट द चिल्ड्रेन हु वर सेलिंग बास्केट्स ऑन द रेलवे स्टेशन वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज हु टुक शेल्टर इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। They were trying to earn their livelihood by setting up the stalls near the stations and by selling simple handmade articles like baskets, fans, etc. They lived in the sheds made of grass and clothes. Some of these refugees who had adopted farming occupation managed with their little income. Their income was less than $2 a week. And thus they would eat one time a day. They used to have very simple food, which included an onion, a piece of bread, just a bowl of pulse with some milk, and sometimes cheese of goat milk. Tea, coffee, sweet, fat or meat were far from their reach. Even this small amount was difficult to earn for these farmers. The writer looked like a rich gentleman, and so the children got attracted to him, thinking that he would buy most of their articles. So, okay, next passage. Agla passage dekhen. I bought one tiny basket for a few anas. टिनी मीन्स छोटी, अर्थात मैंने कुछ आने की एक छोटी सी टोकरी खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, इससे थोड़ा अधिक में एक फलों की टोकरी। अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, एक रुपए की सुंदर सी रद्दी कागज की टोकरी। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रूपी, और एक रुपए की एक प्यारी सी सिलाई की टोकरी अर्थात सिलाई के सामान रखने वाली टोकरी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू अ पीस, एक या दो आने प्रति नग के हिसाब से, प्रति पीस के हिसाब से कुछ पंखे खरीदे।
माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। मेरी भुजाएं भरी हुई थी और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्चा किए, अर्थात 50 सेंट से कम में ही इतना सामान खरीद लिया कि मेरे पास और सामान रखने की जगह नहीं बची। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे मेरी ओर से गुजरे शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए, वेयर्स मीन्स सामान, अर्थात सामान के बारे में चिल्लाते हुए या सामान का नाम लेते हुए बच्चे मेरी ओर से गुजरे या मेरी ओर आए। आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी, अर्थात मैं कैदी था, मतलब बच्चों के बीच में कैद हो गया। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्णतया घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, हिलने में असमर्थ, अर्थात हिलने डुलने भी असमर्थ था मैं, इस कदर बच्चों से घिर गया। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी, अग्रेसिव क्वेरलेस यानी लड़ंका, अग्रेसिव मीन्स क्वेरलेस या लड़ंका या फिर आक्रामक, पर यहां पर अर्थ है प्रभावी या जोरदार। वेंडर मीन्स विक्रेता। तो द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ गर्ल ऑफ 9, अर्थात सर्वाधिक परिश्रमी और प्रभावी विक्रेता यानी जोरदार विक्रेता एक 9 वर्ष की लड़की थी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। मतलब इन विक्रेताओं में जो सर्वाधिक परिश्रमी और जोरदार विक्रेता थी वो थी एक 9 वर्ष की लड़की जो कि ठीक मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी हत्थे वाली टोकरी थी, एंड सी वांटेड अ रूपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट अमेरिकन मुद्रा में। यानी वो लड़की उस प्यारी सी हत्थे वाली टोकरी के लिए 1.5 रुपया या फिर अमेरिकी मुद्रा में 30 सेंट चाहती थी। सिवाजन आर्नेस्ट प्लीडर, वो एक गंभीर आग्रही थी, अर्थात अत्यंत गंभीर स्वर में आग्रह कर रही थी। प्लीडर मीन्स आग्रही, अभिव्यक्ता या फिर निवेदक। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वो ऐसे स्वरों में आग्रह और याचना करती थी जो किसी भी दिल को चीर देती थी, चीर सकती थी, अर्थात उसका स्वर किसी के भी दिल को चीरने वाला या पिघलाने वाला था। WRING, रिंग, रिंग मीन्स ऐंठना, मरोड़ना या चीरना। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। चलिए हम इस पैसेज की अंग्रेजी व्याख्या समझते हैं। द राइटर मिस्टर विलियम कैंपबेल डगलस bought some baskets and pans from the children who were selling and shouting wares at the railway station. The things that he bought from the children were a small basket for a few anas, a basket to put fruits for a little more price, a beautiful scrap paper basket for a rupee, one more lovely basket to put sewing material for a rupee, and some fans for 1 anna or 2 anna per piece. The writer says that his arms were full before he could spend just 50 cents. Still, the children were pressing him hard to buy their articles. He was attracted to a 9-year-old girl who was standing just before him and was requesting him to buy a beautiful basket with handle for a rupee and a half. According to the writer, the girl was the most aggressive vendor, and her tones were such as could melt the heart of the cruelest man. Now the next passage. अब अगला पैसेज देखें।
माय आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी, अर्थात मेरे पास कोई अन्य वस्तु रखने की जगह शेष नहीं थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी को साथ रखने की जरूरत नहीं थी। लेट अलोंग मीन साथ चलना या संग रखना। सो बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर टोकरियों और पंखों को संतुलित करके या संभाल करके आई रीचेड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाई जेब में पहुंचा, अर्थात दाई जेब में अपना हाथ डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी भर रेजगारी ली। रेजगारी मीन्स छुट्टा पैसे, पर 15 सेंट्स इन ऑल, शायद सब मिलाकर 15 सेंट थे, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने उस टोकरी में डाल दिए। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंगली मीन्स अनुग्रहपूर्वक, अर्थात जो वह छोटी लड़की अनुग्रहपूर्वक मेरे सामने पकड़े हुए थी, उसी टोकरी में मैंने 15 सेंट्स डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी ही तो नहीं खरीद सका, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, किंतु विकल्प के तौर पर अनुग्रह राशि बढ़ा दी है, यानी ये पैसे मैंने मुफ्त में आपको दे दिए हैं। मतलब कि जगह न होने के कारण मैं आपकी टोकरी तो नहीं खरीद सका, किंतु उसके बदले ये राशि मैंने आपको मुफ्त में दे दी है। एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा दिया, थमा दी, और ग्रेचुटी मीन्स अनुग्रह राशि या मुफ्त में दिया गया धन, सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प। I realized at once what offense I had given. मैं तुरंत महसूस कर गया कि क्या अपराध मैं कर बैठा था, अर्थात जो अपराध मैंने किया था उसका एहसास मुझे तुरंत हो गया। Realized means महसूस किया, offense means अपराध। The child of 9 वर्ष की बच्ची, dressed in rags, जो फटे कपड़े पहने थी, rags means चीथड़े या फटे हुए, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, रीचेड इन टू द बास्केट, टोकरी में पहुंची, अर्थात टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक स्त्री के संपूर्ण गौरव एवं सील के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस थमा दिया। अर्थात 9 वर्ष की वो लड़की जो चीथड़ों में लिपटी थी, भुखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला, और एक स्त्री के समस्त गौरव एवं सील के साथ उसने मुझे पैसा वापस कर दिया। प्राइड मीन्स गौरव, ग्रेसियसनेस मीन्स सील या उदारता। देर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मतलब अब एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोछी, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से तेजी से भागी, हेडेड फॉर सम ग्रास हेट, किसी घास फूस की झोपड़ी के रास्ते की ओर, हेडेड फॉर मीन्स ऑन द वे, यानी रास्ते पर, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट डे, जिसमें उस रात कम से कम 30 सेंट होंगे। सो ओके, नाउ गो थ्रू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, अब अंग्रेजी व्याख्या देखें। द राइटर सेज दैट ही हैड ऑलरेडी बॉट सो मेनी बास्केट्स एंड फैंस, एंड देयर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू बाय वन मोर बास्केट, he wanted to help the young girl and so he gave her about 50 cents without buying her basket and tried to assure her that having been unable to buy her basket
ही वॉज गिविंग दैट मनी टू हर एज ए गिफ्ट. नो सूनर डिड द राइटर गिव हर मनी विदाउट बाइंग हर बास्केट ही नोटिस्ड दैट ही हैड कमिटेड सम मिस्टेक. एज द गर्ल ऑफ 9 हु वॉज वियरिंग टॉर्न क्लॉथ एंड वॉज इन द पैंग्स ऑफ हंगर returned the money to the writer with all her self-respect. And because the writer wanted to help the girl, he could nothing but to buy her basket. Means the writer bought her basket. As soon as the writer bought the basket of the girl, she proceeded gladly to her grocer with 30 cents. Now, the next passage. अगला पैराग्राफ देखें. I told this story to Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. मैंने ये कहानी मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तब के प्रधानमंत्री थे, उनको सुनाई. I told him it was one reason I had fallen in love with India. मैंने उन्हें बताया कि ये एक कारण था जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा. द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस, उन्हें जिन्हें गांवों में देखा, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिसेस, साथ ही साथ उन्हें जिन्हें ऊंचे कार्यालयों में देखा है, बोथ, उनके पास दोनों चीजें हैं, प्राइड यानी गर्व एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और शिष्टता एवं नागरिकता का जीवंत भाव. अर्थात लेखक के कहने का अभिप्राय है कि भारत में चाहे वो गांव में रहने वालों से मिला हो अथवा शहरों के ऊंचे कार्यालयों में अर्थात उच्च पदों पर आसीन लोगों से मिला हो, उनके पास उसने दो विशेषताएं पाई. पहली, स्वयं पर गर्व यानी स्वयं के प्रति उनके अंदर हीनता का भाव नहीं है, और दूसरी ये कि उनमें श्रेष्ठता एवं नागरिकता का जीवंत भाव विद्यमान है. लिवली सेंस मीन्स जीवंत भाव, डिसेंसी मीन्स श्रेष्ठता, सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता. दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. पैशन मीन्स तीव्र इच्छा, अर्थात उनमें स्वतंत्रता मतलब आत्मनिर्भरता का भी, आत्मनिर्भरता की भी प्रबल लालसा है. दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, स्क्वेलर मीन्स गंदगी, पावर्टी मीन्स गरीबी, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी अर्थात जो गरीबी और गंदगी में पैदा हुई, गरीबी और गंदगी में पैदा होने वाली ये लड़की, एंड अनएडुकेटेड इन बोथ, दोनों तौर पर अशिक्षित, ग्रामर एंड मैनर्स यानी व्याकरणिक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी. अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि उस लड़की ने ना तो कहीं शिक्षा ली और ना ही शिष्टता सीखी, फिर भी हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया. उसने मुझे भारत की महान आत्मा अर्थात भाव प्रधान आत्मा की एक झलक दिखला दी थी. सो लेट्स गो थ्रू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. आइए अब इसका अंग्रेजी स्पष्टीकरण समझें. सी द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. द राइटर मिस्टर विलियम कैंपबेल डगलस गॉट सो मच इंप्रेस्ड विद द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द लिटिल गर्ल दैट ही नैरेटेड दिस इंसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू and told him that due to that only reason he had begun to love India and her people. Mr. Douglas found two outstanding qualities in the people of India, whether they were hard-working villagers or if the urbans working in the high offices in the cities. They both knew never to compromise with their self-respect and always to keep the dignity of the country they live in with the sense of decency. The writer says,
that the poor girl with a basket who was fated to live in dirty environment by her birth. Means she was fated to live in dirty environment by her birth and was neither educated nor mannered. She had well shown the greatness of the soul of India and Indian people. So, okay, students, thanks and have a nice day.